दोस्तों स्वागत है आपको ट्रैक्टर मॉडल के एक और वीडियो में और बाइक स्पेशल इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियर ब्रेक शू चेंज करना। यहाँ पर रिपेयरिंग वाली कोई बात नहीं है, सीधे ब्रेक शू हम मार्केट से परचेस करके लेके आए हैं और हम खुद खोलने वाले हैं। तो उसके लिए क्योंकि साइलेंसर ऑलरेडी हमारा खुला हुआ है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लच प्लेट पर काम किया था तो क्लच प्लेट के कारण हमें ये साइलेंसर खोलना पड़ा था। तो साइलेंसर खुला हुआ है और अभी फ़िलहाल हम जो ब्रेक रॉड है उसको खोल रहे हैं और उसके बाद में हमें मेन एक्सल को खोलना है और फिर इससे हम जो रिंग है पूरा जो व्हील है पिछला वाला उसको बाहर निकाल देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तेरा का पानी लग रहा ना। अभी फिलहाल हम इसमें इसकी जो मेन शाफ्ट है उसको खोल रहे हैं और उसके बाद में इसका जो व्हील है उसको अलग करेंगे। इसमें 19 नंबर का लगा था ना, 19 नंबर का पाना लगता है, 19 नंबर का रिंग पाने का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद में जो ब्रेक रॉड है उसको खोलना है, कभी कभार ये जाम रहती है। 14 नंबर का फिक्स पाने का यूज़ कर सकते हैं। तेरह नंबर के से ब्रेक जो रॉड होती है उसको भी खोलना है। व्हील को आसानी से निकालना है क्योंकि इसमें जो रबर हैं वो लगी होती हैं और ये रबर जो है टूट चुकी हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। थोड़ा तिरछा कर दो गाड़ी को, थोड़ा सा टिल्ट करें ताकि आसानी से व्हील निकल जाए। और अब यहाँ पर आप ब्रेक शू की कंडीशन देख सकते हैं, जो ड्रम है उसकी भी कंडीशन। ब्रेक शू में थोड़ा सा इंसुलेशन अभी बाकी है, ज़्यादा तो नहीं है। और यहाँ पर अगर ड्रम की बात करें तो ड्रम को भी एक बार फिजिकली वेरीफाई कर लें, अभी तो ठीक है, कोई कट वगैरह इसमें नहीं है। कई बार ये होता है कि अगर ब्रेक शू ज़्यादा घिस जाते हैं तो जो ड्रम है वो कट जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रेक शू में एक जो लेवल होता है बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर एक एरो जो दिखता है, ये एरो जब यहाँ पर आ जाए, इसमें भी एक ये एरो दिख रहा है आपको, ये जो एरो जब इसके लेवल पे आ जाए उस कंडीशन में हमको ब्रेक शू चेंज कर लेने चाहिए। ये इसकी लीस्ट लिमिट होती है, अगर इससे ज़्यादा आता है तो ब्रेक शू की जो मेटल है वो रिंग को, जो ड्रम है उसको ख़राब कर सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और ये हमारे नए पेयर ब्रेक शू के, देख सकते हैं कि इसमें जितना मटेरियल है जो पुरानी वाली है उसमें उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। निकालने के लिए सीधा इनको खींचना है, और इनसे स्प्रिंग निकाल के नए वालों में लगा देंगे। ये जो ब्रेकिंग लीवर है इसको चला के देखना है, अगर ये टाइट लगे तो इसमें प्रॉपर ऑयलिंग कर लेना है। स्प्रिंग को लगाना है इसमें और ऐसे ही लगेंगे। उस तरीके से ब्रेक शू फंसाने हैं हमको। और अब ये जो ब्रेक लीवर है उसको कसे बिना पहले इसको फिट कर देना है। पलट के लगाओ, पलट के और उल्टी लगाओ। हाँ जी, इसको ये ब्रेक लीवर को हमें बाद में कसना है, अब इसको वापस अपनी जगह पे बैठा देते हैं।
और लेकिन उससे पहले जो यहाँ की रबर गिर चुकी है उन रबर को वापस हमें लगाना है। अब इसमें जो व्हील है उसको बैठाना है और यहाँ पर जो चेन के जो टीथ हैं उसमें प्रॉपर तरीके से उसको बैठाना है और जो शाफ्ट है उसको इसमें लगा देना है और यहाँ पर लगाते समय इसमें एक डिस्टेंस स्पेसर होता है, उस स्पेसर को भी लगाना है। धक्का मार दो, लीवर इसको लगाते समय आपको ध्यान रखना होगा हल्का सा किस जगह पे लगेगा, वो टामी से ठोको हल्के से चली जाएगी, ऐसे नहीं। पहले इसलिए बोल रहा था, अरे पहले नहीं, तू वापस इसका जो नट है उसको कस देना है। क्योंकि 10 नंबर का है इसलिए एक मॉडरेट लेवल तक ही इसको टाइट कीजिएगा। अब जो ब्रेक रॉड है उसमें स्प्रिंग और जो ब्रेक लॉक है उसको लगाना है हमको। और उसके बाद में जो एडजस्टर है उसको लगा देना है। लेकिन इस बीच में हमें जो ठीक है जो ब्रेक लॉक है उसको भी लगाना है। 13 नंबर का नट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ब्रेक को एडजस्ट करना है अपने ज़रूरत के हिसाब से। ऑल सिलेक्ट गाइस, इसके लास्ट में हमें अब इसका जो मेन एक्सल है उसको कस देना है और इसको सावधानी से एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में इसको कसना है हमें। ब्रेक लॉक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहिए को हल्का सा घुमाएं और उसके बाद इसको ब्रेक को लॉक करने के बाद में अचानक फिर आप इसको इस तरीके से कसेंगे तो ब्रेक में जो आवाज़ आती है चूँ चाँ चूँ किसी भी तरीके की जो आवाज़ है वो नहीं आएगी। तो गाइस इस तरीके से इस वीडियो में हमने जो ब्रेक शू हैं उसको चेंज किया है और थोड़ा सा इसमें सर्विसिंग का काम किया है। उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नया करते हुए कुछ नए काम के साथ में। लेकिन हाँ, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले इसके साइलेंसर और बाकी जो इसके पैनल है उसको हम ज़रूर कसेंगे। तरीके से जो हमारी गाड़ी है कम्प्लीट हो चुकी है। पिछले कुछ वीडियो में हमने इसमें सेंटर स्टैंड, क्लच प्लेट और ब्रेक शू के ऊपर काम किया। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।